रहे हो? अच्छा क्या दी है आपका? नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है बहुत ही खुश होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। तो सवेरे सवेरे मैं आपको नीम की पत्ती और काली मिर्च दिखा रही हूँ। तो आप भी सोच रहे होंगे ना कि आज क्या स्पेशल है। तो भैया आज कुछ स्पेशल वगैरह नहीं है, बस थोड़ा सा रूटीन ना थोड़ा सा जो है उसको चेंज किया गया है, क्योंकि मौसम बदल रहा है तो हाल भी बदल रहा है। तो यहाँ ना मैंने निकाल लिया तुलसी के पत्ती का रस, थोड़े से ही निकाले हैं क्योंकि भाई गर्बा है तो पीना तो बहुत ज़्यादा पॉसिबल है नहीं, लेकिन अगर आप 2 चम्मच भी पी लेते हो ना तो ज़्यादा फ़ायदेमंद होता है। और नीम के गुण तो सबको पता है, तो साथ में उसको मैंने पी लिया था। और उसके बाद मैं लेके चल रही हूँ 1 गिलास गुनगुना पानी, क्योंकि पूरे मुँह का टेस्ट ना एकदम कड़वा हो चुका है। और उसके साथ ही मैं चलती हूँ यहाँ पर एक्सरसाइज करने के लिए। सुबह के समय थोड़ी बहुत हल्की फुल्की एक्सरसाइज अकॉर्डिंग टू टाइम मैं कर लेती हूँ। हालांकि मैं ये नहीं कहूँगी मैं बहुत ज़्यादा समय तक करती हूँ, बहुत तो 15 मिनट, बहुत तो उससे ज़्यादा आधा घंटा, क्योंकि भाई सवेरे हमारे पास बहुत से काम होते हैं। या तो एक्सरसाइज में बच्चों के जाने के बाद करती हूँ, और या फिर मैं बच्चों को भेजने से पहले, तो अगर थोड़ा सा भी मुझे समय जैसा मिल जाता है ना मैं वैसे काम कर लेती हूँ। हालांकि मेरे उठने की टाइमिंग ना बिल्कुल फिक्स टाइमिंग है, लेकिन होता है ना कभी कभी आलस से लगने लगती है। तो फिलहाल यहाँ मैं कर ले रही हूँ थोड़ी सी हल्की फुल्की एक्सरसाइज, और उसके बाद मैं मिलूँगी आप लोगों से थोड़ी देर में। हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग? वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं फिर से आपका वेलकम कर रही हूँ अपने आज के नए ब्लॉग में। तो मेरा ना नहाना वगैरह हो चुका है, पूजा पाठ वगैरह जो होती है ना वो सब भी हो चुकी है। भाई नवरात्रि चल रही है तो भाई पूजा करना तो बिल्कुल बनता ही बनता है। तो फिलहाल चलते हैं दिन की शुरुआत करने के लिए, चलते हैं ब्लॉग की शुरुआत करने के लिए। तो बस नॉर्मली दिन की तरह शुरुआत होती है। तो अभी ना मैं जा रही हूँ दाल चढ़ाने के लिए, क्योंकि बच्चे तो मेरे जा ही चुके हैं, और लेकिन दोपहर का खाना और हस्बैंड को जाना दोनों है ही है। तो फिलहाल मैं यहाँ दाल रखती रही हूँ, और दाल हो या चावल हो मैं सोक करके ही बनाती हूँ। तो दाल को ना मैंने भिगो दिया फिर सुबह ही, उसके बाद अच्छे से उसको वॉश किया, और वॉश करने के बाद मैं जा रही हूँ दाल चढ़ाने। और इसमें ना सिर्फ हल्दी और नमक डाली है, क्योंकि मैं दाल बाद में फ्राई करूँगी। टमाटर भी कभी कभी ऐड कर देते हैं, क्योंकि आज दाल फ्राई बनानी है ना, तो टमाटर अभी नहीं डाला है मैंने। तो यहाँ पर ना मैंने कुछ मंगाया था, और मैं जनरली एक ही ऑनलाइन कम जो है होती है ना उसका इस्तेमाल करती हूँ। तो वहाँ से मंगाया और बहुत ही ट्रस्टेड होता है,
लेकिन आज ना मेरे साथ स्कैम हो गया। और स्कैम क्या हुआ कि मुझे 4-in-1 था ये, और लेकिन मुझे मिला 3-in-1। तो फ़िलहाल मिला तो मुझे वही शेड मिला जिसकी मुझे ज़रूरत थी, लेकिन इसके साथ ना एक एक और का पैक था जिसमें 4 और थे, वो मुझे नहीं मिला। इसके लिए मैं बहुत ज़्यादा डिसअपॉइंटेड हो गई कि चलो कि जो है बताओ, मैंने इतने शौक से मंगाया। हालांकि मैं इन सब चीज़ों को ना बहुत ज़्यादा मैं यूज़ नहीं करती हूँ, बहुत कभी बाहर गए तो यूज कर लिया, नहीं तो कुछ नहीं। लेकिन आज ना मैंने मंगाया बड़े शौक से, उस पर भी मेरे साथ स्कैम हो गया, तो बुरा लग रहा था। तो ये है तो लाइनर तो ठीक आया है और जितना बोला था उतना ही है, लेकिन ना लिपस्टिक कम है, लेकिन चलो कोई बात नहीं। तो अभी ना जो लिपस्टिक मैंने अभी आपकी पार्सल ओपन किया ना, तो उसमें एक शेड ये वाला है, तो आप लोग बताइएगा कैसा लग रहा है ये वाला शेड। वैसे मैं बहुत ज़्यादा ना कभी ये सब चीज़ें नहीं लगाती हूँ, और हमेशा इतने दिनों से ब्लॉग में आ रही हूँ, तो आप लोगों ने देखा भी होगा कि मैं ये सब चीज़ें इतना इस्तेमाल नहीं करती। मुझे लग रहा है ये शेड सही लग रही है। तो भाई दोपहर हो चुकी है और खाने का टाइम हो चुका है, बाकी जितने भी और दोपहर कोई काम है नहीं, दोपहर तक का जो होता है ना वो सब हो चुका है। और आज की ना ये मेरी पसंद की थाली है जो मैंने आज अपने लिए बनाई है। मतलब होता है ना, मैं कई बार आप लोगों से कहती हूँ कि मैं अपने लिए नहीं बना पाती हूँ, लेकिन आज ना मैंने अपने लिए बनाया है, और बच्चे भी आ चुके हैं और सब लोग यहीं बैठ के खाना खा रहे हैं। तो खाना वगैरह हो चुका, खाना खाए हुए 1 घंटे से ज़्यादा हो चुका है, और मैंने सुबह सिर्फ नीम का पानी पिया था, और अपना जो ये हेल्दी ड्रिंक वाटर है ना जो कि वेट लॉस के लिए और डायबिटीज़ के लिए है, उसे मैंने नहीं पिया था। इसे मैंने अभी बना लिया है और अभी मैं पीऊँगी, और इसमें अजवाइन भी पड़ा है ना जो खाने को डाइजेस्ट भी करता है। तो ये ना बहुत इम्पॉर्टेंट है, इसको बिल्कुल मिस ना करें, इसे ज़रूर से ज़रूर पिएँ। और बिल्कुल अपना शाम हो चुकी है, शाम के समय है, और बनाना था मैक्रोनी। तो आज ना ये है कहने का कि मैं खुद बनाऊंगा, ऐसा जो है बड़े वाले बेटे का कहना है, तो मैंने सारा अरेंजमेंट करके रख दिया है। तो वो सिर्फ मतलब उसे बनाना है और मुझे खाना है। तो फिलहाल मैंने सब अरेंजमेंट कर दिया, क्योंकि ना अरेंजमेंट करके रखूँ तो वो ना पूरा किचन जो होता है ना बच्चों के भरोसे नहीं छोड़ सकते ना, पूरा मैसी कर देगा, कहीं मिर्च मसाला अलग खुला है, कहीं धनिया हल्दी खुली हुई है, इसलिए मैंने सारा इंतज़ाम कर दिया है। और अब वो अपना बना लेगा, और बन जाएगा ना तो फिर मैं आप लोग को बताऊंगी ज़रूर कि उसने बनाया कैसा है। तो चलते हैं, मैं जाती हूँ बैठने, और वो बनाएगा तो फिर आएंगे। फ़िलहाल टेस्ट वगैरह के अकॉर्डिंग ना ये बहुत अच्छा है, क्योंकि वो बना भी लेता है बहुत अच्छा सा। तो होता है बच्चे बनाए हैं तो थोड़ा सा तो मैं खाऊंगी ही। तो बस आज का ब्लॉग यहीं पर एंड करने की कोशिश करती हूँ, और इसका जो है मज़ा लेती हूँ, क्योंकि बना बनाया मिला है तो खाने का तो आनंद ही अलग है। आज के ब्लॉग का ना करते हैं यहीं पर एंड, मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में नई चीज़ों के साथ, नए लाइफस्टाइल के साथ, एक नए दिन के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, खुश रहिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। और ब्लॉग कैसा लगा वो ज़रूर बताइएगा, अच्छा लगे तो भी एक लाइक दीजिएगा, नहीं लगा होगा अच्छा तो थैंक यू कर दीजिएगा, लेकिन बताइएगा ज़रूर। बस मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय।